किसान भाइयों, यदि आप चूजे तथा छवने पाल रहे हैं तो बरसात के मौसम में इनके खान पान से लेकर रखरखाव तक में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बरसात के दिनों में चूजों की देखभाल कैसे की जाए? सबसे पहले हमारे किसान भाई बहन, हमारे दर्शकगण इस बात को सुनिश्चित करें कि बरसात शुरू होने के पहले ही उन्हें जो भी अपने घर का, मतलब जैसे कि बाड़ा हुआ जहां चूजों को रखते हैं, या फिर कमरा जो भी उन्होंने रखा हुआ है बंदोबस्त, उसको वो मरम्मत पहले करवा लें, बरसात तक के लिए ना छोड़ें, ताकि बरसात में छत से पानी का रिसाव ना हो। जो चूजे रह रहे हैं वहाँ उन्हें साफ सूखा वातावरण मिले। एक बात ध्यान रहे कि देखिए, अगर हम प्रबंधन की बात करें बरसात के समय में, तो उसको हम बांट सकते हैं रोग प्रबंधन, आवास प्रबंधन एवं भोजन प्रबंधन। सबसे पहले जिसमें जो मैं आवास प्रबंधन की बात कर रही हूँ, उस पर पुनः आते हुए कि चूजों को कैसे रखा जाए, तो आर्द्रता यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो 20-30% से ज़्यादा किसी भी बाड़े में नहीं रहने देना चाहिए। और अगर हमारे चूजों के घर में या मुर्गियों के घर में 40% से ज़्यादा आर्द्रता है, तो हमें बिल्कुल ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये सही नहीं है, बीमारियों को न्योता है। दूसरी चीज़, जो चूजों का बिछावन होता है यानी जिसे हम लिटर के नाम से भी जानते हैं, उसे बीच बीच में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे बीच बीच में नहीं बदलेंगे तो उसमें अमोनिया का कंटेंट बढ़ेगा, और इतना ही नहीं, वो बहुत सारे इन्फेक्शन का सोर्स होगा। तीसरी चीज़, कोई भी घर, चाहे वो छौने हो, चाहे वो चीज़ों हो, चूजे हो, चाहे अन्य जानवर हो, उनके घरों में यह सुनिश्चित करें कि ड्रेनेज यानी नाली जो है वो प्रॉपर रहे, उनका जो डंग यानी कि जो मल मूत्र है उसकी निकासी का द्वार सही रहे, पानी अटकने का कोई सोर्स ना रहे, गड्ढा वगैरह ना रहे, हो सके तो उसे सीमेंटिंग वगैरह जहाँ तक पॉसिबल हो कर दें, रेगुलर उसको क्लीन करें। और अगर हम लोग बात करें उसको क्या कहते हैं, उसको छिड़काव की, तो सूखा चूना का भी छिड़काव आप चूजे और छौनों के घरों में कर सकते हैं, और इससे चूजे आपके जो है वो सेफ रहेंगे। मुख्यतः देखिए, एक तो बाकी सारे रोग भी बैक्टीरियल वायरल यानी विषाणु जनित, जीवाणु जनित और अन्य जैसे कि कोक्सीडियोसिस, माइकोसिस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेन बीमारियाँ बढ़ती हैं उसमें से हम तीन में मुख्य बीमारियों का जिक्र करना चाहूँगी जो कि चूजों में परेशान कर सकता है। एक है रानीखेत डिजीज या न्यूकैसल डिजीज, दूसरा है फाउल पॉक्स डिजीज, और तीसरा है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। पहली बीमारी, अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं डालना चाहूँगी, पहली बीमारी जो है जिसे हम रानीखेत या न्यूकैसल डिजीज के नाम से जानते हैं, तो इस बीमारी के लिए भी, या फिर दूसरी बीमारी आईबीडी और तीसरी कहें तो, इन सभी के लिए टीकाकरण सबसे प्रमुख उपाय है। लेकिन अगर वो बीमारी लग गई है तो यह सुनिश्चित करें तो उसे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक जो सुटेबल हो दो दे, विटामिन ई और सेलेनियम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसको इम्यूनो बूस्टर के रूप में, उसके लिए हम लोग उसको एक सुनिश्चित डोज में सारे जानवरों को दे सकते हैं। और उसके अलावा जैसा लक्षण होता है उस तरह से हम लोग, जैसे आईबीडी में क्या होता है कि उसका इम्यूनिटी खत्म हो जाता है और वो बहुत सारे अन्य बीमारियों से ससेप्टेबल हो जाता है। फाउल पॉक्स में जैसे हमारे में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसी तरह फाउल पॉक्स जो होता है उसी तरह वो कह सकते हैं कि वो जो मुर्गी होती है उनका चेचक हुआ, तो पूरे शरीर में, कलगी में, हर जगह पे वो जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, पॉक्स या लीजन्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो सकती है। और उसके अलावा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी इफेक्ट करता है। जहाँ तक रानीखेत या न्यूकैसल डिजीज की बात करें तो उसका रेस्पिरेटरी और नर्वाइन दोनों फॉर्म होता है। तो इस तरह के जो भी हैं, उचित पशु चिकित्सक की सलाह लेकर इन तीनों बीमारियों के हो जाने पर निश्चित कंसल्ट करें, लेकिन टीकाकरण बचाव है और उसे सुनिश्चित करें।